जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। आज मैं जा रहा हूँ घर, और मैं जिधर हूँ उधर से घर जाने के लिए भी बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता है, क्योंकि इधर से घर जाने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर आपको ट्रेन की पटरी से पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सुबह सुबह अभी बज रहा है 6:30 सुबह का, 6:30 बज रहा है, अभी मैं चल पर हूँ ट्रेन की पटरी पर। कम से कम मेरे को 1 से 1.5 घंटा चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन पटरी पर तो मैं दौड़ के नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है दौड़ने, मैं ट्रेन की पटरी पर दौड़ने का। तो इधर देखो पूरा सुनसान इलाका है, पीछे भी पूरा एकदम जा रहा हो, और उधर से जो आया हो ना ऊपर से नीचे उतरा हो पूरा दम निकल गया। तो अभी मैं इधर से चल रहा हूँ, धीरे धीरे जाता हूँ, देखता हूँ अगर ट्रेन चला जाएगा तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, और ट्रेन मिलेगा तो ट्रेन से जाऊँगा। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इधर से तो इतना फास्ट में मैं नहीं जा सकता क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं चल रहा हूँ, देखता हूँ कितना देर में पहुँचता हूँ, आप लोगों को मैं थोड़ी देर बाद बताता रहूँगा, और स्टेशन में पहुँच के भी आप लोगों को दिखाऊँगा, घर जाने तक सब कुछ आप लोगों को जितना हो सके उतना दिखाऊँगा। तो अभी मैं तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ, और पैरों में भी दर्द हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना, कभी मतलब रेल पटरी पे चला नहीं हो, इतना दूर तक चला हो, थोड़ा बहुत तो चला हो लेकिन इतना दूर तक कभी नहीं चला हो। तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा भाग के भी, अगर थोड़ा रनिंग भी करूँगा तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अगर ट्रेन छूट जाएगा तब तो दिक्कत है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा भाग लूँ। ठीक है, पहुँच चुका हूँ मैं सामने ही, देख सकते हो स्टेशन है जौहर नगर। फाइनली मैं जौहर नगर स्टेशन पहुंच चुका हूँ, ठीक ही है, जल्दी पहुंच गया क्योंकि थोड़ा भागा, थोड़ा चला, फिर थोड़ा भागा, तो इस वजह से मैं पहुंच चुका हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, सामने ही है जौहर नगर स्टेशन, तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर होगा, आने में दिक्कत नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम से ठीक हो जाए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ट्रेन कब आता है, अभी तो जल्दी पहुँच चुका हूँ, देखता हूँ कभी कब आता है। मेरा ट्रेन कब आएगा वो तो पता नहीं, क्योंकि मेरा ट्रेन इधर से जाएगा और सामने से एक आ रहा है, वो शायद अगरतला से जाएगा कलकत्ता, तो वो आ रहा है, वो देखो कितना स्पीड में दौड़ रहा है, अभी जाएगा देखना, झूम करके सिलीगुड़ी जाएगा ये। फास्ट में जा रहा है, छोटा है, एकदम छोटा है, जाओ आप, मेरा वाला भी आएगा थोड़ी देर में, देखते हो कब आता है। जल्दबाजी में मतलब बहुत फास्ट तो मैं आ गया, तो आके कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि कम से कम 1/2 घंटा लेट होगा ट्रेन, तो क्या फ़ायदा हुआ, या मेरे साथ है भी नहीं कोई, क्योंकि मैं अकेला जाने वाला हूँ, तो इधर क्या करोगे, इधर से इधर एक बार प्लेटफॉर्म में घूम रहा हो, एक बार उधर, कम से कम 200 मीटर घूम रहा हो, क्या करूँगा, अभी देखता हो कितने देर में आता है, शायद टाइम लगेगा, क्योंकि एक इधर से जस्ट अभी गया, तो उधर से आने में थोड़ा लेट होगा, कोई नहीं, वेट करता हो। ट्रेन में सच में बताओ तो मैं ज़्यादा नहीं गया, 2-3 बार सिर्फ उठाओ ट्रेन में, एक्सपीरियंस भी नहीं है ट्रेन में जाने का, गाड़ी से ज़्यादातर जाता हो, गाड़ी से या बाइक से, क्योंकि अभी ट्रेन से जाना तो पड़ेगा, क्योंकि इधर से ट्रेन ही मिलता है, गाड़ी बाइक वगैरह नहीं मिलेगा, ज़्यादा बहुत वेट करना पड़ेगा, तो ठीक है, देखते हो कब आता है। आज शायद मेरा किस्मत ही ख़राब है, जिस ट्रेन से मैं अगरतला जाऊँगा वो ट्रेन 2 घंटा से नहीं आ रहा है, और अगरतला से 2 ट्रेन आ गए, तो शायद मुझे गाड़ी से ही जाना पड़ेगा, आज पूरा किस्मत ही ख़राब है, क्या करूँगा, ख़राब किस्मत है। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के उठा था, आज बोला था 1 घंटा लेट होगा, अभी बोल रहा कि 2 घंटा लेट होगा, तो इतना वेट कौन करेगा, तो मैं तो चल रहा हूँ डायरेक्ट मेन रोड पे जाऊँगा, डायरेक्ट उधर से गाड़ी लूँगा, ट्रेन से थोड़ा मतलब तो फास्ट होता था, 1-2 घंटे में चला जाता, अभी गाड़ी से चले से 2-3 घंटा 3 घंटा 3.5 घंटा लगेगा, क्या करूँगा, जाना है, अगर ऐसा सुबह जानता कि ऐसा होगा तो सुबह ही निकल जाता गाड़ी से, दिमाग गर्म हो रहा है। ठीक है, अभी देखता हूँ मेन रोड पे जगह गाड़ी मिलता है कि नहीं, ये जगह बहुत ख़राब है, इधर गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है,
अभी मैं आ चुका हूँ अम्बासा। इधर भी आके गाड़ी नहीं मिल रहा है क्योंकि आज ट्रेन नहीं आया ना, तो इसलिए सब लोग गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी नहीं मिल रहा आज। फाइनली बहुत वेट करने के बाद एक गाड़ी तो मिला है, लेकिन वो सिर्फ जाएगा तेलियामुरा तक, और तेलियामुरा पे जाके दोबारा मेरे को गाड़ी चेंज करना है। अभी देखता हूँ कब तक घर पास पहुँचता हूँ। क्या होगा मेरे को पता नहीं, मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है क्योंकि सुबह से कुछ खाया भी नहीं अभी तक, कितना लेट हो गया यार। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ तेलियामुरा पे, तो इधर उतर के फिर दोबारा गाड़ी लेना है। अभी देखता हूँ इधर गाड़ी मिलता है कि नहीं, शायद मिल जाएगा इधर। तो फाइनली मुझे एक बस मिल गया, उस पर आराम से बैठ गया। तो अभी वो जाएगा अगरतला पे डायरेक्ट, तो बस पे तो बैठ गया, लेकिन बहुत नींद आ रहा है, क्या करूँ। सुबह 4 घंटे हो गया बस में, गाड़ी में बैठ बैठ के एकदम सिर भी दुख रहा है, नींद भी आ रहा है, क्या करूँ। किस्मत ख़राब है, आज पूरा दिन चला गया मेरा। तो अभी आ चुका हूँ मैं खैरपुर में, इधर से उतर के मेरे को पहले कुछ खाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गया है, 3-4 घंटे से गाड़ी पे हूँ। चलता हूँ। तो दोरे पहले मुझे थोड़ा बिरयानी दो। हाँ तो मुझे बिरयानी अभी मिल गया, तो बिरयानी बिरयानी खा के पहले मैं अभी देखूँगा गाड़ी मिलता है कि नहीं इधर। तो ये देखो मुझे एक ऑटो तो मिल गया, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि मैं ऑटो चला रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं ड्राइवर के साथ बैठा हूँ। तो ऑटो ने उतार दिया यूनिवर्सिटी के सामने, अभी इधर से भी गाड़ी लेना पड़ेगा। ऑटो तो दिख रहा है लेकिन बोल रहा है कि जाएगा नहीं, तो मुझे एक मारुति गाड़ी मिल गया, उससे जा रहा हूँ। वो उससे उतार के भी पैदल चलना पड़ेगा। आज का दिन ही पूरा ख़राब है, कितना सारा गाड़ी चेंज किया मेरे को भी पता नहीं। सुबह के 6 बजे को निकला था ट्रेन के लिए, ट्रेन तो मिला ही नहीं, बाय रोड से आया, 7-8 गाड़ी होगा चेंज किया है, अभी भी पहुंच नहीं पाया, 1 बज रहा है अभी पहुंचने में। किसका मुंह देख के आज नींद से उठा था, भगवान जाने किसका मुंह देख के निकला था। हाँ और ज़्यादा दूर नहीं, अभी चल रहा हूँ पैदल, क्योंकि मेरा घर इतना अंदर है उधर तक तो गाड़ी भी नहीं जाता है। तो ग्रैंडफादर को फ़ोन किया है, बोला कि स्कूटी लेके थोड़ा आओ, तो आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा चल रहा हूँ पैदल। 7 घंटे हो गए हो सिर्फ गाड़ी में बैठा हो, बाय रोड आने से, ट्रेन में आने से तो 10 बजे आ जाता आराम से, क्या करूँगा, किस्मत ख़राब है। ठीक है कोई नहीं, और 5 मिनट का बात है, पहुँच जाऊँगा। वो जो दिख रहा है ना, वो उधर उधर है मेरा घर, ठीक है, इस इधर से घूम के उधर से जाना पड़ेगा। ठीक है, वो देखो कौन आ रहा है मुझे लेने के लिए, पता है कौन है, दादू है, दादू देखा, अभी भी एंटोक चलाता है, जवान है एकदम, जवान जवान एंटोक लगे नहीं कि आई तो बोलती हमें फोन करते चलो 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 गुराई लो आगे। अरे यार तुम लोग भी ना यार। तो फाइनली 6-7 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे। ठीक है, ओके बाय।